नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार प्रसार जोर पकड़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के किशनगंज वार्ड और सदर बाजार वार्ड में संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और प्रचार प्रसार की इस कड़ी में सभी पार्टियां पूरे दमखम से अपनी पदयात्रा और सभाएं कर रही हैं। यह नजारा है किशनगंज वार्ड का, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प यात्रा एक विशाल जुलूस के रूप में निकाली गई। आपको बता दें कि किशनगंज वार्ड तथा सदर बाजार वार्ड इलाके में संयुक्त रूप से विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य रूप से उपस्थित और प्रत्याशियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उनके साथ सदर बाजार वार्ड की भाजपा प्रत्याशी पिंकी जैन तथा किशनगंज वार्ड की भाजपा प्रत्याशी गीता नागर भी उपस्थित रहे और इस रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस के रास्ते में जगह जगह मंच लगाकर इस संकल्प यात्रा का फूलों से स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर घरों की बालकनी से भी भाजपा समर्थकों ने अपने नेताओं का स्वागत किया और सहयोग का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि सदर बाजार वार्ड से भाजपा प्रत्याशी पिंकी जैन और किशनगंज वार्ड से भाजपा प्रत्याशी गीता नागर जिस तरह से अपने जबरदस्त प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें क्षेत्रवासियों से सहयोग का भरपूर आश्वासन मिल रहा है, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी का जीतना लगभग तय है। बाकी अंतिम परिणाम तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज।